हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार, वेट वेटिंग वेटिंग, कौन मार्केट कर रहा है क्वार्टर टू के रिजल्ट के डेट के लिए, जो कि आज भी डिक्लेयर नहीं हुई है। और उसी का नतीजा हमें देखने को मिल रहा है कि ब्रैडकॉम का शेयर फ्लैट चल रहा है, ना कोई बड़ी तेज़ी ना कोई बड़ी मंदी। इसी बीच एक पॉजिटिव अपडेट आया है म्यूचुअल फंड्स की ओर से, आइए जानते हैं। उसके पहले बात करेंगे आज वॉल्यूम कैसा हुआ। तो NSE और BSE मिलाकर ओनली 55 लाख शेयर ट्रेड हुए आज। आज मॉर्निंग में रोज की तरह लाइक डेली ऊपर खुला फिर नीचे आया और साइडवेज ही रहा दिन भर, कोई खास मूवमेंट नहीं था। 16.95 रुपीज़ पर क्लोजिंग दिया ब्रैडकॉम ग्रुप ने, जो कि 0.30% प्लस में था, फ्लैट क्लोजिंग था। अब 55 लाख शेयर्स का ट्रेडिंग हुआ तो एक उम्मीद थी कि आज 80-90% की डिलीवरी उठाई जाएगी, पर आज भी 59% की ही डिलीवरी उठाई गई है, ओनली 59%। मतलब अभी थोड़ा सा लोग बोर हो चुके हैं, वेट कर रहे हैं कि जब तक कोई पॉजिटिव स्ट्रांग या नेगेटिव स्ट्रांग न्यूज़ नहीं आती है, ब्रैडकॉम ग्रुप की ओर देखना नहीं है। तो जब कभी कोई लोग बोल रहे होंगे कि कौन माल खरीद रहा है, अरे भाई 59 लाख शेयर्स तो ट्रेड होंगे ही, 200 करोड़ के जो शेयर्स है उसमें 55 लाख का ट्रेडिंग होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये एकदम नॉर्मल ट्रेडिंग है, बहुत मिनिमल ट्रेडिंग है ब्रैडकॉम ग्रुप में। इंतज़ार हमारा क्वार्टर टू के रिजल्ट के लिए तो है ही। इसी बीच म्यूचुअल फंड्स के डेटा भी अपडेट होते जा रहे हैं, और आपको याद होगा ग्रो कैपिटल ने भी अपनी एंट्री ली है ब्रैडकॉम ग्रुप में, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत एंट्री ली है, बहुत ही नॉमिनल है। बट निप्पो इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, इनका होल्डिंग सितंबर में 9,45,000 शेयर्स का था, वो अक्टूबर में बढ़कर हो गया है 10 लाख शेयर्स का। तो ये एक पॉजिटिव अपडेट है कि म्यूचुअल फंड अभी भी विश्वास दिखा रहे हैं ब्रैडकॉम ग्रुप पर और अपना होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। तो सितंबर टू अक्टूबर करीब करीब 5% का जो होल्डिंग है निप्पो इंडिया ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है ब्रैडकॉम ग्रुप में, ये हमारे लिए थोड़ी सी एक पॉजिटिव बात है। क्योंकि इस डर के माहौल में अगर म्यूचुअल फंड अपना होल्डिंग घटाएंगे तो थोड़ा सा फिर से पैनिक फैल सकता है, बट एक पॉजिटिव बात है कि निप्पो इंडिया ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है इस क्वार्टर में भी, इस महीने में भी, घटाया नहीं है। और भी बाकी म्यूचुअल फंड के होल्डिंग आना बाकी है, अपडेट आना बाकी है, जैसे जैसे आएंगे मैं आपको बताऊंगा। और अभी तक क्वार्टर टू का कोई अपडेट नहीं है, सब कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि जिस कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं शेयर रॉकेट बनकर ऊपर जा रहा है, बट ब्रैडकॉम ग्रुप का शेयर वहीं के वहीं खड़ा है, जैसे कि कह सकते हैं कि भीड़ के बीच अकेला है और देख रहा है भाई ये चला वो चला ये चला, सब आगे पीछे जा रहे हैं और ब्रैडकॉम ग्रुप का शेयर भीड़ में अकेला खड़ा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और ब्रैडकॉम ग्रुप वहीं के वहीं खड़ा है। आशा करते हैं कि मैनेजमेंट कम से कम शेयर होल्डर पर कोई तरस खाए और कोई ठोस अनाउंसमेंट कंपनी की ओर से आए अबाउट CEO, CFO, ऑडिटर या क्वार्टर टू रिजल्ट की डेट आ जाए, उसके कारण फिर से एक तेजी लौट आएगी ब्रैडकॉम ग्रुप में। आशा करते हैं जल्द से जल्द हमें न्यूज़ देखने को मिले, उसके बिना थोड़ा सा हमें अभी भी मूवमेंट फ्लैट ही नज़र आएगी ब्रैडकॉम ग्रुप में। बट पॉजिटिव बात यह है कि म्यूचुअल फंड्स ने अपना होल्डिंग घटाया नहीं है, बढ़ा रहे हैं, तो यही हमारे लिए एक डूबते को तिनके का सहारा है। थैंक यू फ्रेंड्स।